दिल्ली और मुंबई में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ा हुआ है। वहीं राजस्थान में भी कोरोना के जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कल की रिपोर्ट में 369 पॉजिटिव केस पूरे राजस्थान में आए थे। वहीं अकेले जयपुर में करीब 100 केस कोरोना के आए थे और आज भी राजस्थान में 123 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आदेश जारी कर 7 दिन के लिए प्रदेश की सभी सीमाएं सील कर दी हैं। आदेश आने के बाद बॉर्डर इलाके में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात हो गया है। राजस्थान से अगर कोई बाहरी राज्य में जाएगा तो पास के साथ ही जा सकता है, केवल मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े व्यक्ति ही अलाउड हैं। वहीं बाहर से आने वाले व्यक्तियों को सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और साथ ही यह भी बता दें कि विशेष परिस्थितियों में ही पास से एंट्री मिल पाएगी। बड़ा फैसला, एक बार फिर से सील कर दी गई है प्रदेश की सीमाएं। 7 दिन के लिए प्रदेश की सीमाएं सील की गई हैं। आवागमन के लिए परमिशन यहां से लेनी होगी। कोरोना के जो बढ़ते केसेस हैं उनको देखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ोतरी में जा रहे हैं। कोरोना के जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं उनको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 7 दिन के लिए प्रदेश की सीमाएं सील की गई हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, देखिए कोरोना के जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, ये फैसला लिया गया है 7 दिन के लिए जो सीमाएं हैं उन्हें सील कर दिया गया है। यादवेंद्र, एक अहम सवाल यहां पर, क्योंकि इंस्टेंट जो फैसला लिया गया, कुछ प्रकार की वहां पर अव्यवस्थाएं भी हुई होंगी, क्योंकि आने जाने वाले लोग हैं उन्हें इस चीज की कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, देखिए एकाएक ही आदेश जारी हुए हैं, क्योंकि मनीषा मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इमरजेंसी में ये मीटिंग बुलाई है, क्योंकि एक साथ जिस तरीके से जयपुर शहर के अंदर 100 मरीज आना, जयपुर जैसे शहर में, उसके बाद पूरे राजस्थान में 369 जो कोरोना पॉजिटिव जो लोग आए हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया है। उसका कारण भी साफ है, दिल्ली और महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसके बाद जो कम्युनिटी स्प्रेड का जो ये जो आंकड़ा है देखा जाए कि कोरोना के फैलने का, वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। उसको देखते हुए एक बड़ा फैसला यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है। उसके बाद गृह विभाग ने तमाम जिला SPs हैं, IG रेंज है, उनको आदेश जारी किए हैं। और उसके बाद DG लॉ एंड ऑर्डर है, जो ML लाठर साहब हैं, उन्होंने ये आदेश जारी किए सभी जिला SPs को, तमाम जो जोधपुर कमिश्नर है, इसके अलावा जयपुर कमिश्नर, उनको आदेश जारी किए हैं कि बाहर आने जाने वाले जो आवागमन के साधन है उन पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया जाए। और ये आदेश है, ये आज से ही तुरंत लगाने के आदेश जारी किए हैं। यानी अब जो भी लोग जयपुर से या राजस्थान से दूसरे राज्यों में जाएंगे उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा, और अगर उन्हें जाना है तो इसके लिए उन्हें परमिशन लेनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले यहाँ पर SDM को पावर दे रखी थी और जिला थानों को भी परमिशन दे रखी थी, मगर उन आदेशों को वापस ले लिया गया था। मगर इस बार जो पावर दी है वो यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट यानी जो जिला कलेक्टर है और इसके अलावा जिला SP है, उसको ये पावर दी है। यहाँ पर तमाम जो लोग, अगर कोई भी बाहर जाएगा तो उनको जिला SP से और जिला कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी, और उसके बाद उनके आवागमन पर यहाँ पर उनको परमिशन दी जाएगी। एक मुख्य बात यहाँ पर ये निकल कर सामने आई है कि जो इमरजेंसी सेवाओं से जो या से जुड़ी जो सेवाएं होती है, या मरीज को बाहर ले जाना हो या बीमार व्यक्ति हो, उनके लिए किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई परमिशन नहीं लेनी होगी। उनको तुरंत प्रभाव से उनको आवागमन के उन पर यहाँ पर आदेश जारी किए गए कि उनको नहीं रोका जाएगा। इसके लिए अब जब ये आदेश आए उसके बाद तमाम जो हाईवे पे जो टोल नाके हैं वहां पर पुलिस ने अपना अतिरिक्त जाब्ता बैठा दिया है, और जो परमिशन लेके नहीं आ रहे हैं वाहन उन पर 188 एपिडेमिक एक्ट के तहत और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन साधनों को जब्त किया जाएगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से एक साथ 369 पॉजिटिव केस आए राजस्थान में, उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को लेकर चिंतित है और बेहद गंभीर है कि इतने लंबे समय बाद, यानी एक महीने के पीरियड के बाद, इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव को आना, यानी कहीं ना कहीं ये हुआ है कि जो कम्युनिटी जो ट्रांसमिट हुआ है बिल्कुल कोरोना का, उसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर एहतियात बरतते हुए आदेश जारी किया। और कहीं ना कहीं ये राजस्थान के वासियों के लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना है वो बेहद उसकी जो कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो रही थी, मगर अचानक से
एकाएक बदलाव हो जाना और कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इजाफा होना, वो कहीं ना कहीं ये इस बात को बताता है कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ रहा है और इसी के लिए इस कदम को बहुत महत्वपूर्ण कदम बताया। बिल्कुल यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। शहर से बाहर जाने वाले, राज्यों से बाहर जाने पर प्रतिबंध होगा, आने पर भी प्रतिबंध होगा। फिर से प्रदेश की सीमाएं सील कर दी गई हैं 7 दिनों के लिए। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल राजेश, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई हैं, किस प्रकार के हालात फिलहाल हैं? आज अचानक सील की गई है कोटा के डाणी और डाणी संपर्क 9 जगह पुलिस गई है, आवागमन बिल्कुल कर दिया गया, सड़क मार्ग पर और लोग पुलिस उलझ रहे हैं करने के कारण और नहीं हो रही लोगों। जी राजेश, देखिए इंस्टेंट फैसला था तो लोगों जो अव्यवस्था है वो वहां पर जरूर बनी होगी, लोगों को प्रॉब्लम वहां पर हो रही होगी, किस प्रकार से उनसे समझाइश की जा रही है? जी पुलिस समझाकर तो देख रही है, अपने लोग कोई गाड़ी को या आने दिया जा रहा है, उनको खुशी मांग रहे, बाकी सभी को वापिस, इसलिए दिल्ली मार्ग पर आपका गांव के जी बिल्कुल। राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 7 दिन के लिए प्रदेश की सीमाएं सील की गई हैं, बड़ा और अहम फैसला लिया गया है क्योंकि कोरोना के जो एक्टिव केसेस ज्यादा से ज्यादा आते जा रहे हैं प्रतिदिन, उनको लेकर यह फैसला। भरतपुर से फिलहाल हमारे संवाददाता राजेंद्र ज्योति फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट? देखिए एक बड़ा फैसला ये यहाँ पर है और इंस्टेंट डिसीजन है, तो क्या प्रतिक्रियाएं वहां पर सामने आ रही हैं क्योंकि आने जाने वाले लोग तो निकल चुके होंगे? जी मनीषा, मैं बताना चाहूंगा कि भरतपुर में पॉजिटिव केसों की संख्या डेली बढ़ रही है, 15-20 दिन के अंतराल से संख्या में काफी बढ़ाया है, बढ़ोतरी हुई है। आज भी मतलब जो है 34 केस मिले हैं सुबह और कुल मिलाकर के भरतपुर जिले में जो आंकड़ा है 817 पर जाकर के पहुंचा है। और माना ही जा रहा है कि भरतपुर क्या है कि अपने कई स्टेट से जुड़ा हुआ जिला है, अपने भरतपुर जो राजस्थान के जो बॉर्डर सीमा है उसके साथ यूपी जुड़ा हुआ, हरियाणा जुड़ा हुआ, दिल्ली का एरिया जुड़ा हुआ है और कई राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ भरतपुर का एरिया है। तो माना ही जा रहा है कि आगरा और जो यूपी के एरिया है वहां से सब्जियां वगैरह काफी लोग लेके आते थे, उसकी वजह से ये संक्रमण यहाँ फैला है। तो उसकी इस संक्रमण को रोकने राजस्थान और यूपी अदर राज्यों के लोग आवाजाही कम हो तो उतने ही लोग आए जितनी आवश्यकता है, फालतू लोग नहीं है। इस बात को लेकर के शायद सरकार ने डिसीजन लिया है जिससे कोरोना का जो महामारी फैली उसको रोकथाम में हेल्प मिल सके, पहल उन्होंने किया। आज सरकार की ओर से जिला कलेक्टर SP हैदर अली जैदी और इन सबको एक आदेश मिले हैं कि राज्य की जितनी सीमाओं को बहुत सील किया जाए। इस आदेश की पालना में भरतपुर जिले में जो है यूपी और हरियाणा और दिल्ली की जो बॉर्डर सीमा है उनको सील किया गया है और इससे आगे क्या पहल होंगी, किस इस रोकथाम के लिए कितने अच्छे इसमें सार्थक परिणाम मिले, ये और पुलिस की प्रशासनिक कार्रवाई के बाद पता चल सकेगा। बिल्कुल राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आवागमन के लिए परमिशन लेनी होगी, बड़ा फैसला ये, 7 दिन के लिए प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया गया है। बाहर से आने और जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा 7 दिन के लिए क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे थे, संक्रमण की जो आंकड़ा संक्रमण का था वो बढ़ता जा रहा था, तो कहीं ना कहीं कोई कड़ा कदम उठाना बेहद जरूरी था और अब मुख्यमंत्री ने संवेदनशील होकर सजग होकर यह फैसला लिया है क्योंकि जिस प्रकार से अचानक से बढ़ोतरी दर्ज की गई इन आंकड़ों में वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बाहर से आने और जाने वाले लोगों का जो दौर था वो जारी था, गंगानगर से फिलहाल कमलदीप हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलदीप, क्या अपडेट मिल पा रही है? कमलदीप, देखिए 7 दिन के लिए प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई हैं क्योंकि लगातार जो आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज हो रही थी, क्या अपडेट फिलहाल मिल पा रही है, क्या हालात हैं?
जी, आज सुबह ही जिला कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए पुलिस प्रशासन को भी कि वहाँ पंजाब के जो बॉर्डर है, पंजाब से जो आवागमन है वो बंद कर दिया गया है। जो बॉर्डर को पूरी अच्छे तरीके से सील कर दिया गया है। वहाँ मौके पे तहसीलदार और सभी मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के भी आला अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। इस समय अगर कोई श्री गंगानगर का व्यक्ति है वो अगर पंजाब में फंसा हुआ है तो उसकी पूरी जांच करने के बाद ही श्री गंगानगर में उसको आना दिया जा रहा है, क्योंकि श्री गंगानगर में कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज सुबह भी एक कोरोना की पॉजिटिव महिला जो पाई गई है, जिसे देखते हुए पूरी शक्ति बरती जा रही है। जी बिल्कुल कमलदीप, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो 7 दिन के लिए प्रदेश की सीमाएं सील की गई हैं, क्योंकि कोरोना का जो आंकड़ा था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। अचानक से जिस प्रकार से बढ़ोतरी दर्ज हुई, कहीं ना कहीं ये फैसला बहुत अहम और बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि बाहर से आने जाने वाले लोगों का जो दौर था वो जारी था और संक्रमण का यहाँ पर कह सकते हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे थे उनसे संक्रमण आ रहा था। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस संक्रमण को किसी भी प्रकार से रोका जाए।